इंदौर के राव विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी मधु वर्मा के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने मंच से एक सुर में राव विधानसभा को जीतने की बात कही। दरअसल राव विधानसभा सीट से बीजेपी के द्वारा अपनी पहली सूची में ही वरिष्ठ भाजपा नेता मधु वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया था। वहीं नवरात्रि के पहले दिन जारी हुई कांग्रेस की लिस्ट में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को एक बार फिर अपना प्रत्याशी बनाया गया है। प्रत्याशी मधु वर्मा के द्वारा अपने मुख्य चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर स्थानीय भाजपा के नेताओं के साथ ही भाजपा के कई नेता और बड़ी संख्या में राव विधानसभा के आमजन मौजूद रहे। इस दौरान हर एक नेता मंच से संबोधित करते हुए इस सीट को जीतने की बात कहता रहा। गौरतलब है पिछले 10 सालों से यह सीट कांग्रेस के पास है, जहां से पूर्व मंत्री जीतू पटवारी इस सीट से विधायक है और इस बार जीतू पटवारी से लेकर इस सीट को भाजपा के खाते में डालने की बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। देखिए, लगातार 4.5 साल से मैं काम कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और आज हमारे विधिवत राव विधानसभा का प्रमुख का मेन कार्यालय का विधिवत उसका शुभारंभ हुआ है। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी उसके मुख्य अतिथि थे, साथ में हमारे महापौर जी भी थे, शंकर ललवानी जी, कुमारी मोगे जी, हमारे आईजी के अध्यक्ष जयपाल सिंह जी, नगर अध्यक्ष श्री रणदीप गौरव जी, सभी प्रमुख कार्यकर्ता और सारे हमारे जितने मंडल के और सारे जिले के पदाधिकारी सभी लोग थे और एक छोटा छोटा कार्यकर्ता बूथ का कार्य हमारा अध्यक्ष से लेकर सभी कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। निश्चित देखिए आप विधिवत हमारा, वैसे तो सभी कार्यकर्ता लगातार चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन आज से डबल ऊर्जा के साथ सभी कार्यकर्ता इस विधानसभा में काम करेंगे। जीतू पटवारी जी ने भी कार्यालय को ओपन कराया। मैं तो इसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरे कार्यकर्ता और मेरे मतदाता और मेरी विधानसभा का कैसे विकास हो वो देखता हूँ बस।